वो दरवाजा खुला था, लात मारने की क्या जरूरत। स्टीफन प्रकाश कहाँ है बे? स्टीफन प्रकाश, ये आदमी कौन है? कौन है वो? ये वो आदमी नहीं है नायडू सर। उसके मासूम चेहरे से धोखा मत खाना, एक्टिंग में वो मेरे से भी दो कदम आगे है। अरे कब से चुपचाप मार खाता जा रहा है। बड़ा 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 डोज और बड़ा। डबल करता हूँ सर। सिर्फ एक बार उनका नाम बता दीजिए, चाहे तो मैं उनके पास चलता हूँ सर, उन्हें समझाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता। शायद हमने गलत आदमी पकड़ लिया है सर, और मारेंगे तो जान चली जाएगी इसकी। वैसे भी सड़क पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। अरे इस देश में लोगों को खुद के सुख के बजाय पड़ोसी का दुख देखने में ज्यादा मजा आता है। ची ची ची, संस्कार मर गए, गाड़ी में डाल के उसको हैदराबाद लेके आ। भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। हाँ? क्या बोला? सर का नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सुरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है, बोर हो गया हूँ मार मार के इसको। हेलो सर। मेरी बात करवा। चुप सर, ये वो नहीं हो सकता सर। अरे वही है, कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना तब डॉगी भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका दे। सॉरी ब्रदर, तेरे को टपकाने का ऑर्डर मिला है। मुझे मार दोगे? सच में? मैंने क्या किया है? मार देंगे मुझे? तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पापी पेट का सवाल है ब्रो। तू सब्जियां काट के कमाता है और मैं गर्दन काट के, बस छोटा सा ही तो फर्क है। ए, कोई आखिरी इच्छा है तो बता ना, पूरी कर देंगे। शर्मा मत, बोल दे। तेरे लिए हुक्का मंगाऊं क्या, साथ में दो पैग? मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। ए सूरी, खत्म करना है इसे। भैया नहीं, भैया मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, इनको नहीं मारना चाहिए वरना नर्क में भी थर्ड क्लास जगह मिलती है, ऐसा मेरी दादी कहती। जाने दीजिए। नहीं। ए, ये काम तू कर। नहीं, मत मत मारिए। भाई ये अपुन के लाइफ का पहला मर्डर है, अपुन को गुड लक तो बोलो। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू। ए सब लोग आओ। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे चंदू। चल बेटा अब केक काट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपने कहा था मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना। मेरी एक छोटी सी इच्छा है सर। चल बोल। गले में पवित्र रुद्राक्ष है, माँ पाप लगेगा, इसे पहन के मारा तो। और उतार के मारा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे, मेरी गारंटी है। ए, निकाल के फेंक दे रे। प्लीज मुझे अपने मालिक का नाम बता दीजिए।
बस नाम ही तो जानना चाहता हूँ मैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नाम बताने में आपका क्या जाएगा? अब तो बता दीजिए ना, नाम क्या है? सबको मरते हुए देखेंगे क्या? अब तो नाम बता दीजिए ना। दादी ने ब्राह्मण और बिल्लियों को मारने से मना किया था, लेकिन किसी शेर से ना उलझने के बारे में बोलना भूल गई। रॉयल नायडू, नाम तो बता दिया ना ब्रो। जब जमीन पर पड़ा था 10 बार पूछा, नहीं बताया, तभी बता देना चाहिए था ना। अब क्या कर सकते हैं, तेरी बदकिस्मती है, 1 सेकंड लेट हो गया। इसे कहते हैं बैड टाइमिंग। मेरा नाम जपते जा तेरा स्वाहा हो गया है। ए, अब इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी गन कहाँ है? गन दे। तेरे नाजायज बाप का पता चल गया है। सॉरी दोस्त, ठोकना पड़ेगा। क्या पता चला? कौन है वो? रॉयल नायडू। रॉयल नायडू? नाम सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया ना। अब इससे भेजा उड़ाऊंगा। ए, पता वो पैसे कहाँ रखे हैं? तेरा कितना हिस्सा उसमें बोल। मेरा कोई हिस्सा नहीं है। हा? हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है? ये है हिस्सा। अगर हिस्सा नहीं है तो डीजे को मंदिर में मारने की कोशिश क्यों की? मैं मंदिर में गया था, पर डीजे को मारने के लिए नहीं, बल्कि जगन्नाथ शास्त्री को मारने के लिए। शास्त्री को मारने? उसे क्यों? रॉयल नायडू की बेटे की शादी होम मिनिस्टर की बेटी से फिक्स हुई है, लेकिन उसकी बेटी शास्त्री से प्यार करती है। यकीन मानिए, मेरा कोई शेयर नहीं है, पूरा पैसा रॉयल नायडू के बेटे के पास है। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे मार दो, पर मैं और कुछ नहीं जानता, मेरा विश्वास कर। शास्त्री तुम ठीक हो ना? सर सर, रॉयल नायडू की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे पूजा से मिलना होगा। आप बस उसके सारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे फॉरवर्ड कीजिए। रॉयल नायडू के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। पंडित जी, डीजे Thank you.
मुश्किलें दो तरह की होती हैं पूजा, एक जो हमें रुला दे और दूसरी जो लड़ने पर मजबूर करे। मैं मुकाबले में यकीन रखता हूं, इसीलिए औरों से अलग हूं। अगर मैं तुम्हें गलत लगता हूं तो यहां से जा सकती हो, मैं कोई सफाई नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मैं सही लगता हूं तो तुम मुझे नायडू के बेटे की डिटेल्स लाकर दोगी। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सात फेरे नहीं लेना चाहती, बल्कि हर एक कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। बस हर एक कदम ही क्यों, सात जन्मों तक साथ चलेंगे। बावर्ची है, देखो कितना इनोसेंट है, उसे और मारा तो मर जाएगा, यही बोला था सूरी ने। लेकिन अब देखो, जैसा आपने कहा था सर, मैंने वो सारे केसेस स्टडी किए जो डीजे ने सॉल्व किए थे और मैंने वहां से इंफॉर्मेशन निकाली। उनमें मुझे एक कॉमन पॉइंट मिला। क्या था वो? FIR लिखने वाला पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम पुरुष है लेकिन उत्तम नहीं, दिखने में राम जैसा पुरुषोत्तम लेकिन अंदर से रावण जैसा कपटी। उसे जखम दो, करण दो, जमीन में गाड़ दो या हवा में उल्टा लटका दो, पुरुषोत्तम को ऐसा टॉर्चर करो कि उसकी हवा निकल जाए और वो आंधी बनकर डीजे तक पहुंचे और झक मारता हमारे पैरों पर गिरे।